नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। सुवर्णों के बंद को देखते हुए दतिया में पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक के दौरान उन्होंने जानकारी दी कि शहर में 350 से ज्यादा पुलिस के जवान और अधिकारी जगह जगह तैनात रहेंगे। पुलिस मोबाइल गली मोहल्लों में गश्त कर नजर रखेगी। एसपी मयंक अवस्थी ने बताया कि 9 से 10 अप्रैल तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी, जिससे सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न डाली जा सके। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर भड़काऊ या अन्य किसी तरह का जाति सूचक पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सुवर्णों के बंद को देखते हुए शराब की दुकानें बंद रहेंगी और शहर में बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। बाहर से आएंगे और जो भी बल इधर ड्यूटीज में लगा गया था उसको वापस क्लोज करके हमने डिफरेंट ड्यूटीज में लगा दिया है। 7 सेक्टरों में दतिया शहर को बांटा गया है और सभी सेक्टरों में भरपूर पुलिस व्यवस्था करके चप्पे चप्पे पे बल तैनात किया जाएगा और किसी प्रकार की संदिग्ध क्षेत्र नहीं, जहाँ पे भी लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है वहाँ वहाँ पर हमने बल लगाए। कोई संदिग्ध क्षेत्र नहीं है। दतिया में पूर्ण तरह से शांति का वातावरण है। 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उसका पर्व जो शासकीय प्रोग्राम उसमें है वो मनाए जाएंगे, लेकिन किसी प्रकार के जुलूस या किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा रही है। व्यक्तिगत रूप से जो भी लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि देना चाहें या किसी प्रकार का उनका वो सम्मान करना चाहें वो स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी जाकर किसी भी जगह पर जाकर उनको माला पहना सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार के सामूहिक या मिलजुल के कोई प्रोग्राम करें या कोई जुलूस करें इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। दतिया से राजेंद्र पटवा, न्यूज आज। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।